भाई गाइस, मैंने बाहर निकाल दिए। ये क्या बचा है, इसको देखते हैं। ये ऐसे इसको सेट करने के लिए इसको रख देते हैं। अभी इस बॉक्स को करते हैं साइड। अब इस पे आते हैं गाइस। आप देखने से ही पता लगा सकते हो कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बटन से भी सही से काम कर रहे हैं गाइस। ये आई थिंक लाइट का है। ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड, और ये बंद करने के लिए। गाइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। एक बार मैं इसको नीचे से दिखा देता हूँ, आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो गाइस, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसको खोल के गाइस, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर मोटर लगी हुई है। सिंपली हम इसको अटैच कर सकते हैं ऐसे। बंद हो गई गाइस। हमें इसको साफ, हालांकि मुझे ये अच्छा ही लगा। ये जो है ये मेटल नहीं है गाइस, ये स्टील है। ये ऊपर की स्टील है और ना ये, और ये नीचे वाली है ये आई थिंक, हाँ ये भी स्टील की है। और इस पे पन्नी चढ़ी हुई है गाइस ब्लू कलर की। अगर ये बाय चांस गंदी हो तो इसको निकाल के हम साइड में रख के इसको साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तो इस पन्नी को हटा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और गाइस इसमें देखते हैं, इसमें तो सब कुछ नॉर्मली पहले वाले जैसा ही है बस। ओके गाइस, तो ये थी चिमनी की अनबॉक्सिंग। इसको लगा दूंगा मैं। इसको लगा के जब ये लग जाएगी तो इसको दूसरे वीडियो में चेक करेंगे गाइस। ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों मुड़ा मुड़ा आया है। ये शिपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, वैसे ये ठीक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ। नुकसान तो वैसे कुछ नहीं हुआ। ये तो मुड़ जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इसको लगा देते हैं गाइस। जब ये लग जाएगी तब मैं आपको एक और वीडियो इसको पूरा चला के एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। इतने टिल देन, बाय बाय, सी यू लेटर।